hello friends once again welcome back to the class of npc my name is trupti and today we will discuss one more important thing and that is the p-n junction diode biasing okay so biasing are of two types forward biasing and reverse biasing one by one all that points clear to be related to biasing okay but uh, before i start the class uh, i call recall the previous one so, in previous class, we had studies about the p n junction. So, what is p n junction? So, p n junction basically the combination of p type and n type semiconductors. Okay, so in p type, uh, that is the majority charge carriers are holes, and n type are majority charge carriers are. इलेक्ट्रॉन्स ओके यहाँ तक हमने पढ़ा था और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ओके नाउ वी विल स्टडी द न्यू थिंग एंड दैट इज़ द फॉरवर्ड बाइसिंग ओके फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है सो सिंपली फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पहले तो बाइसिंग क्या होती है सो बाइसिंग इज द प्रोसेस इन विच पी एन जंक्शन डायोड इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी जब हम पी एन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कल्ड बाइसिंग ओके और बाइसिंग टू टाइप्स के होते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न फॉरवर्ड बाइस एंड देन रिवर्स बाइज ओके सो फॉरवर्ड बाइज में आपका जो कनेक्शन होता है यानी कि पॉजिटिव ये पी टाइप सेमी कंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइम टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टाइप ऑफ बैटरी ठीक है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी पी पॉजिटिव से कनेक्ट होता है एंड नेगेटिव से कनेक्ट होता है ओके okay, अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है डेपलेशन रीजन होता है डेपलेशन रीजन किस तरह से बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो डिफ्यूजर्स होते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैंक हो जाता है ठीक है हमने पढ़ा है और यहाँ पर पॉजिटिव लेयर बन जाती है यहाँ पर नेगेटिव लेयर बन जाती है और इसे ही हम डेपलेशन रीजन कहते हैं और डेपलेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन सॉरी होल्स होते हैं एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है जब हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ठीक है मीन्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव लेयर बन गया यहाँ पर नेगेटिव लेयर बन गया इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके सो इस डायरेक्शन में होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव मीन्स यहाँ पर इसके साथ जा रहा है और इसके ऑपोजिट हो रहा है इसीलिए इसीलिए क्या होता है इस रीजन को इस रीजन को क्या बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर क्योंकि तो यहाँ पर पोटेंशियल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होल्स को इस तरफ धकेल रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धकेल रहा है ठीक है यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं रहा है चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो ही नहीं रहा है करंट बन ही नहीं रहा है ओके इसीलिए इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर अब देखिए अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करें तो फॉरवर्ड बाइसिंग और यहाँ एक्सटर्नल बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी sing, uh, sorry, है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये डायरेक्शन ठीक है और फॉरवर्ड बाइसिंग सॉरी डेपलेशन लेयर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी ऑपोजिट हो जाएगी इन द सेंस जो आपका इफेक्टिव पोटेंशियल होगा मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड इनके कारण ठीक है जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा दैट इज़ द रिड्यूसर्स इफेक्टिव पोटेंशियल रिड्यूस होगा इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं किसी भी डायोड की देन डैपलेशन लेयर ये जो डेपलेशन लेयर है ये आपकी स्मॉल हो जाती है ओके okay. इन द सेंस जो आपका बैरियर होगा ठीक है पोटेंशियल बैरियर उसकी हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होती है अब यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा या फिर ये जो रेप्लेशन लेयर की बात कर रहे हैं स्मॉल हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली यहाँ से स्कीप कर सकते हैं यहाँ तक ठीक है मतलब एंड से पी की तरफ ईजिली फ्लो कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यानी कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट प्रोड्यूस होता है एंड इन ऑर्डर ऑफ़ द मिली एम्पियर किस ऑर्डर में मिली एम्पियर में आपको करंट मिलेगा ठीक है डेप्लेशन लेयर काफ़ी कम होती है और कम होने के स्मॉल होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स इजीली एन से पी की तरफ इजीली चल देते हैं ठीक है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि करंट तो करंट यहाँ जनरेट हो गई और यहाँ पर पोटेंशियल जो बेरियर है वो धीरे धीरे रिड्यूज़ हो जाएगा ये है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको करंट मिलता है ओके okay. और करंट इस तरह से मिलता है इसका जो एक ग्राफ है वो आप देख लीजिए आप वोल्टेज एंड करंट में ग्राफ लोड करेंगे तो वोल्टेज ज़ीरो पे करंट ज़ीरो मिलेगा ठीक है वोल्टेज धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे देन करंट स्लोली इंक्रीज होगा ठीक है कुछ टाइम तक तो करंट सेम ही रहेगा करंट जीरो ही रहेगा बट एक कंडीशन पे एक पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख देख सकते हैं करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा कब होगा जब पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू होगी ठीक है मान लो कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है आपके पास थ्री वोल्ट ठीक है और यहाँ पर टू वोल्ट है तो करंट फ्लो नहीं होगा करंट फ्लो कब होगा ये थ्री वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए आपके पास वोल्टेज ठीक है मीन्स थ्री वोल्टेज होगा देन तब भी नहीं होगा बट थ्री से ज़्यादा थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फाइव या फोर होगा देन करंट फ्लो होगा ओके मीन्स यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये क्या बोल रही है कि इस पॉइंट पे आके वोल्टेज ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इंक्रीज हो गया है डिप्लेशन रीजन के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा ठीक है इसीलिए करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है ओके okay? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा ये है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग ओके नाउ वी विल स्टडी द रिवर्स बाइसिंग नाउ रिवर्स बाइस ओके रिवर्स बाइज फॉरवर्ड बाइस का जस्ट ऑपोजिट होता है इसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं एंड एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ओके पी टाइप में आपको पता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे एंड एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ डेपलेशन रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी हमने फॉरवर्ड वाइज में भी पढ़ा है बट एक्शुअल जो बैटरी आपने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट होगी ठीक है फॉरवर्ड वाइज में डायरेक्शन अपोजिट होती है एंड रिवर्स वाइज में इस तरह से होती है तो यहाँ आपका देख रहे हो आप डेप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि पोटेंशियल वेरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इन द सेंस इफेक्टिव वोल्टेज इंक्रीज होगा इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा इंक्रीज होगा और इफ़ेक्टिव वोल्टेज इंक्रीज होगा देन uh, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम एन साइड से पी साइड की तरफ जाएंगे ठीक है मीन्स करंट बहुत कम बनेगा इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर ओके और वी कैन से नेग्लिजिबल जो नेग्लिजिबल करंट बना वो किस रीजन से बना क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से क्या रिपेल होंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होंगे तो इस बैटरी एक्सटर्नल बैटरी की वजह से थोड़ा बहुत जो चार्ज है या थोड़ा बहुत करंट माइक्रो एम्पियर में वो बनेगा रिवर्स वाइज में करंट नहीं बनता है और रिवर्स वाइज में इस तरह की कंडीशन होती है ये जो डेपलेशन रीजन है वो इंक्रीज़ होता है एंड पोटेंशियल बैरियर भी हाइट भी इंक्रीज होगी ओके अब रिवर्स वाइज में हम ग्राफ ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे वोल्टेज एंड करंट के बीच ठीक है सो तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में आपका ग्राफ इस तरह से है अगर आपने वोल्टेज ज़ीरो दिया है तो करंट अभी नहीं है ठीक है धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि वोल्टेज इनिशियली तो करंट मिलता ही नहीं है बट एक पॉइंट पे जाकर करंट एक्सट्रीमली हाई हो जाता है ठीक है ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज ठीक है फॉरवर्ड बायसिंग में जो वोल्टेज है ज़ीरो से इंक्रीज हुआ जो वोल्टेज है वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज बट रिवर्स वाइज में यहाँ बोलते हैं आप ब्रेक डाउन क्योंकि ये वोल्टेज को ब्रेक कर देता है इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक ब्रेक डाउन वोल्टेज क्यों क्योंकि देखो शुरू में तो करंट ज़ीरो है ठीक है शुरू में करंट जीरो है कोई करंट नहीं मिल रहा है बट अचानक से आपको करंट मिलने लगा सो दिस इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज और रिवर्स बाइस का ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाता है ओके okay? रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये दोनों टर्म्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड स्टडी करेंगे ओके? टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच